وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين برادران الإسلام अभी मैंने आपके सामने सूरह अनफाल उसकी 9 नंबर आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इसके इत्तदाई अल्फाज हैं कि इस्तस्तगीसून, कि जब तुम फरियाद कर रहे थे, तो हम अल्लाह की तौफीक से इस आयत करीमा में देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे कि ये फरियाद कौन कर रहा था और ये फरियाद किस मौके पे की जा रही थी, कब की जा रही थी, किस जगह की जा रही थी, किससे की जा रही थी। और इस फरियाद का जवाब आया, अगर आया तो क्या आया, ये फरियाद मानी गई, दरख्वास्त कबूल हो गई, कबूल हुई तो किस तरह हुई, और जो दरख्वास्त कबूल हो गई, दुआ सुनी गई, अल्लाह की मदद आई, तो फिर एक सवाल यह भी है कि क्या अब भी आ सकती है, अब भी कोई मोमिन मुसलमान, अब भी अगर अपने ऊपर वो कफीयत तारे करने की कोशिश करे, अब भी अल्लाह से उस खुलूस से दुआ मांगे, तो क्या ये उन्हीं के लिए खास था या क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमानों के लिए अब भी उसी तरह का मामला हो सकता है। तो जैसा कि भाइयों ने बाहर जो फ्लैक्स लगी है उस पर मौजू से अंदाजा लगा लिया होगा कि मौजू उसके ऊपर लिखा हुआ है कि फजाए बद्र पैदा कर। तो मैंने अर्ज किया कि इस तस्तगीत होना, जब तुम फरियाद कर रहे थे, तो फरियाद कौन कर रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस मौके पे कर रहे थे, बद्र के मौका पर। कौन सा वक्त था, 2 हिजरी 17 रमजान मुबारक, आज का दिन, जुमे वाला दिन। इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमानों ने रमजान मुबारक के महीने में, रमजान के महीने में रोजे रखे हुए। जब तुम फरियाद कर रहे थे, किससे कर रहे थे, रब्बकुम, अपने रब से। क्या फरियाद कर रहे थे, कि अभी थोड़ी देर बाद एक खून रेज टकराव होने वाला है, दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा डाला हुआ है, मदीने के हालात बहुत परेशान कुन है, माशी हालत इंतहाई दिगरगू कमजोर है, बहुत ज्यादा बहुत खराब है, दोनों फौजी आमने सामने, और जरा थोड़ा सा तादाद का भी अंदाजा लगा लिया जाए, हथियारों का भी अंदाजा लगा लिया जाए कि इधर 313
उधर तीन गुना बड़ी तादाद 1000, इधर 313 के पास पूरे लश्कर के पास सिर्फ 2 घोड़े, उधर पूरा साजो सामान लोहे में गर्क, सारे का सारा लश्कर जितनी जदीद टेक्नोलॉजी हो सकती है इख्तियार की उन्होंने। कितनी तलवारें पूरे लश्कर के पास? सिर्फ 18 तलवारें, पूरे लश्कर के पास सिर्फ 18 तलवारें, और उनमें से भी बहुत सारी काटने के काबिल नहीं थी, कुंडी थी। तेज नहीं थी वो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम इन हालात में तरबियत क्या है कि चाइना को पुकारो, रूस को पुकारो, अमेरिका को पुकारो, अल्लाह के प्यारे पैगंबर इस्लाम एक तरफ हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए, जैसा कि जो अल्फाज हैं वो जाहिर कर रहे हैं कि इस्तस्तगीसूना रब्बकुम, उस वक्त को याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे। तो प्यारे पैगंबर इस्लाम दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं कि परवरदिगार 13 साल मैंने मक्के मार खाई, तकलीफें बर्दाश्त की हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें जी ली हैं, पर ऐ परवरदिगार ये मेरी टोटल जमा पूंजी है, ये 313 ये मेरी टोटल जमा पूंजी है। इन तुहलिक हादिहि इसाबता मिन अहलिल इस्लाम ला तूबद फिल अर्द, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ अल्लाह सुभान व तआला, ये छोटा सा गिरोह, ये छोटी सी कुव्वत, ये मेरी सारी जमा पूंजी, ये मेरी उम्र भर की कमाई, ये मैं लेके मैदान में तेरे हुक्म के मुताबिक आ गया हूं। परवरदिगार अगर आज इन्हें कुछ हो गया तो अल्लाह कौन तेरी तौहीद का डक्का बजाएगा, अल्लाह कौन तेरी इबादत करेगा। ऐ अल्लाह मैं शिकवा शिकायत तुझसे करता हूं, फरियाद तुझसे कर रहा हूं, ऐ परवरदिगार बेशक ताकत इनके पास नहीं है, तादाद में ये बहुत थोड़े हैं, तो क्या परवरदिगार ये तेरे बंदे हैं, तेरे बंदे हैं, क्या ये शिकस्त खा जाएंगे, क्या ये हार जाएंगे, क्या इन्हें मार दिया जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुशूखुजू से किस तरह अपने रब को पुकार रहे थे कि अल्लाह सुबहानु ताला ने वो नक्शा कुरान के अंदर खींच दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, प्यारे पैगंबर इस्लाम इस तरह हाथ कांप रहे थे, इस तरह झटके ले लेके रो रहे थे कि कंधे मुबारक से बार बार जो चादर मुबारक थी वो सिरक जाती। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो चादर मुबारक सीधी की तो कहने लगे, या रसूलल्लाह बस कीजिए, बहुत हो गई, अल्लाह जाया नहीं करेगा, ना करें, बहुत हो गई। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये मेरे अल्लाह को रोना इस कदर पसंद आया, ये दुआ के अल्फाज इस कदर पसंद आए, अल्लाह सुबहानु ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा आसमान से कि जाओ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाओ, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम और अहले ईमान के सीने ठंडे करो। क्या लेकर आए कि फस्तजाबलकुम, कि अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद सुन ली, कबूल हो गई, जो तुम्हारी दरख्वास्त थी उसके ऊपर साइन हो गए। क्या कहा मेरे अल्लाह सुभान व तआला ने कि अन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फ मिन अल मलाइकति मुर्दिफीन, फरमाया कि मैं अल्लाह तुम्हारी मदद करूंगा बि अल्फ मिन अल मलाइका, 1000 फरिश्तों के साथ, मुर्दिफीन ऊपर तले लगातार कंसेक्टिव आएंगे। और फिर बाद की आयत बताती है कि अल्लाह सुबहानु ताला ने फरमाया कि 3000 फरिश्ते भेजूंगा।
फिर बाद की आयत आई कि इन तस्बीरू व तत्तकू, अगर सबर करोगे, इन तकलीफों को बर्दाश्त करोगे, डटे रहोगे, इस्तकामत दिखाओगे, कमजोरी नहीं दिखाओगे, साबित कदमी दिखाओगे, तो फरमाया कि फिर अगर तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानोगे, अल्लाह का डर तुम्हारे दिलों के अंदर होगा, पांच वक्त नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, सच्चाई इख्तियार करोगे, किसी के धोखा जुल्म ज्यादती नहीं करोगे, तो फरमाया याद रखना, बुराई का हुक्म दोगे, बुराई नेकी का हुक्म दोगे, बुराई से मना करोगे, तो फरमाया कि 5000 फरिश्ता भेजूंगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर इस्लाम का चेहरा दमक उठा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मुसलमानों खुश हो जाओ, मेरे अल्लाह सुभान व तआला की मदद आ गई, खुश हो जाओ। और मेरे प्यारे पैगंबर इस्लाम ने जमीन से मिट्टी की मुट्ठी ली, यूं फेंकी, शाहतिल वजूह, चेहरे बिगड़ जाए। और कुरान करीम ने मेरे प्यारे पैगंबर इस्लाम का ये जो मुट्ठी उठाना, कुरान करीम ने फरमाया कि वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये आपने नहीं फेंकी, ये किसने फेंकी? ये अल्लाह ने फेंकी। वलाकिन्नल्लाह रमा, ये अल्लाह ने फेंकी। और लड़ाई के बाद भी कहा कि फलम तक्तुलूहुम, तुम नहीं लड़े उनसे, वलाकिन्नल्लाह कतलहुम, किसने कत्ल किया उन्हें? अल्लाह ने कत्ल किया उन्हें। तो मैंने अर्ज किया था कि क्या ये उसी वक्त के लिए खास था या अब भी हो सकता है, अब भी मदद आ सकती? अल्लामा साहब ने तो बड़ी अरसे पहले कह दिया था कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। वो अंसारी से अभी आके कहते हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर इस्लाम, मैंने वार किया उस काफर पर, मैंने वार किया उस काफर पर। तो कहते हैं कि सर जो है वो उसका पहले ही कटा हुआ था। दूसरे कहते हैं, मैंने वार किया तो मेरे वार से एक टुकड़ा होना चाहिए था उस काफर का, कई टुकड़े हो गए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर इस्लाम ने माजल्ला ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा वहम है, फरमाया कि ये तीसरे आसमान से जो ग्रुप आया था ना फरिश्तों का, ये उसकी कार्रवाई। अल्लाह अकबर, ये तीसरे आसमान से जो फरिश्तों का ग्रुप आया था, ये उसकी कार्रवाई। अब सवाल यह है कि क्या अब भी ऐसा हो सकता है? अलावा साहब तो कहते हैं कि उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार, अब भी रब हुई, अब भी फरिश्ते हुई। तो यह बात मैंने सुनाई 17 रमजान मुबारक की, जुमे वाले दिन की, 2 हिजरी की, 1500 साल बाद। 1500 साल बाद सिर्फ कुरान करीम में, सूरा अनफाल में, सूरा तौबा में, प्यारे पैगंबर इस्लाम की सीरत के अंदर, रहीकुल मख्तूम के अंदर ये बातें पढ़ी थी। बस ये बातें पढ़ते थे, जुमे के अंदर सुनते थे, दरस के अंदर सुनते थे, लेकिन ये नहीं कभी सोचा था कि कभी अपनी आंखों से ये मंजर भी देखेंगे। ये नहीं कभी सोचा था कि अपनी आंखों से ये मंजर देखेंगे। तो 7 अक्टूबर 2001, अगर किसी साथी को याद हो, ये मैब ना हो गया हो, अगर किसी साथी को याद हो तो 7 अक्टूबर 2001 को हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में 79 मुसलमानों पर रात के वक्त हमला किया गया, सारी दुनिया का कुफर चर दौड़ा। और कितना साजो सामान था उनके पास, वो साथ ही मुझे कहते हैं कि हमला हो गया जे। मैंने कहा तो जब 2001 7 अक्टूबर को हमला हुआ था सुबह फजर के वक्त, 8 अक्टूबर वाले दिन 2001 को, उस वक्त मैं सड़क पे खड़ा था, मेरी आंखों में आंसू थे जब पता चला कि मुसलमानों पे हमला हो गया, तो मेरी आंखों में आंसू थे। वो साथी कहते हैं कि मौलवी किन्ने कु दिन कटनगे? अल्लाह अकबर, मेरे मुंह से बर्जस्ता निकला, जब तक मेरा अल्लाह चाहेगा।
कहते हैं हफ्ता निकल जाएगा, B-52 तैयारे हैं, क्रूज मिसाइल हैं। कहते कारपेटेड बमबारी हो रही है। मैंने कहा जब तक मेरा अल्लाह चाहेगा। दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखा कि इतना साजो सामान, इतना असलहा, क्या कहा था उन्होंने। उनका ख्याल यह था, बहुत सारे इस्लामी मुल्क भी उनकी ताबेदारी में थे, बहुत सारे इस्लामी मुल्क भी सपोर्ट कर रहे थे। वजह उन्हें पता था कि अमेरिका के सामने इसकी दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती, इसकी बात माननी पड़ेगी। वो उसकी हां में हां मिला रहे थे, साथ दे रहे थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट। और उनका ख्याल यह था कि एक हफ्ता निकलेगा, बस एक हफ्ते की मार है बस। लेकिन मेरे अल्लाह सुबहान तआला ने तकलीफ उठानी पड़ी, इस्तकामत दिखानी पड़ी, साबत कदमी दिखानी पड़ी। लेकिन 20 साल लगे पूरे, और इन 20 सालों के अंदर कभी किसी मुसलमान भाई ने सोचा कि ये रोटी कहां से खाते थे, अफतारी सारी कैसे करते थे, मोबाइल तो इनके पास था नहीं, छुपे छुपे बैठे थे। जो बच्चा उस वक्त पैदा हुआ था वो 20 साल का हो गया, जो बच्चा उस वक्त पैदा हुआ था जब रशिया 30 साल का हो गया, तो उस बच्चे ने तो सारी जिंदगी झूले नहीं देखे, उस बच्चे ने तो सारी जिंदगी वो डाजिंग कारें नहीं देखी, उस बच्चे ने तो सारी जिंदगी सोफे नहीं देखे, को बेड नहीं देखे। तो कौन सपोर्ट कर रहा था, कहां से आ रहा था, कैसे हुआ ये सब कुछ। तो मैंने अभी कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ के दिखाई आपको, और अगर सूरह सफ, मेरी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के वास्ते घर जाके कुरान करीम लेके सूरह सफ निकालें। सूरह सफ की आयत नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 आयतें सूरह सफ की खोल के, कोई तर्जमे वाला कुरान, किसी फिरके का तर्जमे वाला कुरान लेके, कोई तर्जमे वाला कुरान लेके खोल के पढ़े, देखें कि क्या लिखा उसके ऊपर। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं युरीदूना लियुतफी नूर अल्लाह, युरीदूना लियुतफी नूर अल्लाह भी अफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम नूरिही वलौ करिहल काफिरून। फरमाया कि ये चाहते हैं सारे के सारे, इटली वाले, फ्रांस वाले, स्पेन वाले, ये सारे के सारे बेईमान अमरीका वाले, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें अपनी भूखों से, अपने मुंहों से। उनका ख्याल यह था कि एक टिमटिमाता हुआ चिराग है, सारी दुनिया नहीं बोल रही, ये 6-7 हजार बंदे हैं जो हमारी आंखें, जो हमसे आंखें निकालते हैं हमारे आगे, जो बोलते हैं हमारी बात नहीं मानते, हमारे एजेंडे को तस्लीम नहीं करते। तो उनका ख्याल यह था कि बस ऐसे ही एक हफ्ता लगेगा, एक हफ्ते की मार है, काम खत्म हो जाए। अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमाते हैं, वल्लाह मुतिम नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहने वाला है, वलौ करिहल काफिरून, चाहे ये बात इन काफिरों को कितनी नागवार क्यों ना गुजरे। अगे 8 नंबर आगे आयत है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्क लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह फरमाते हैं कि रसूल भेजा हदायत के साथ, दीन सच्चे दीन के साथ, लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, ताकि ये दीन सारे दीनों पर गालिब आ जाए, वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे ये बात मुशरिकों को कितनी नागवार क्यों ना गुजरे। ये सारा नक्शा खींचा, ये सारे के सारे बदमाश चढ़ दौड़े, और कितने मुसलमानों को शहीद करने के बाद, अल्लाह अकबर, आप हैरान होंगे, ये बदर वाला वाकया भी पढ़ें, कोई सीरत की किताब लेकर सूरह अनफाल खोल के पढ़ें, और साथ ये जो सिनेरियो है ना, ये जो तनाजुर इसके अंदर, इसको भी जरा देखें, इस पे भी गौर करें। आप हैरान होंगे कि बदर से पहले कह रहे थे इन मदीने वालों की, इन कंगलों की ये जुरत, बाहर पेशाब पहाने के लिए जा नहीं सकते तो हमें तड़ियां लगाते हैं, हमें ललकार रहे हैं। ये लड़ाई से पहले की बात, बदर के मार्के से पहले की बात। अल्लाहु अकबर, जब बदर का मार्का हो गया, मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से मदद की, फतह दे दी मुसलमानों को, तो आप हैरान होंगे कि वो जो फिरौनी लहजे थे ना, वो जो रौनक थी उनकी आवाज में,
दब गए, पस्त हो गए। यहां भी फतह से पहले जब बात करते थे तो कैसे करते थे, एक टेलीफोन करते थे, बताओ उनके साथ हो को हमारे साथ हो, यस नो में बात करो, हां ना में जवाब दो, सिर्फ इतना कहते थे बस बस। तो किसी की जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, ढेर हो गया एक टेलीफोन पर। लेकिन हैरानगी वाली बात है कि ये फतह हुई बद्र का मार का, कैदी आए तो ये जो काफिर थे ना, बड़े बड़े फिरौन बने हुए, ये पैगंबर इस्लाम के साथ पास दरखास्तें लेकर आए कि मेरा बेटा आपकी कैद में है, मेरा अब्बा आपकी कैद में है, मेरा मामू आपकी कैद में है, मेहरबानी करें छोड़ दें। बोला जे फौरी बदल गए। और अल्लाह की कसम ये बात मुझे उस वक्त याद आई जब इन्हला की डेट तय की थी 17 अगस्त, जब डेट तय की थी तो मैं हैरान हुआ कि जो बाइडन ने जब पैगाम भेजा, रिक्वेस्ट की, अर्जी भेजी, दरखास्त भेजी, अब लहजे पे जरा गौर करें, पहले क्या लहजा था, जब मुल्ला उमर को यह कहा बुश ने कि याद रखना मैं जमीन तुम पर तंग कर दूंगा, अल्लाह अकबर, उस मर्द दरवेश ने कितने आराम से बात सुनी और सुन के जवाब क्या दिया, किसको जवाब दिया, जो अपने आप को वक्त की सुपर पावर कहता है, उस जालिम को, उस बदमाश को जवाब दिया बुश को, क्या कहा, कहने लगा तू कहता है मैं जमीन तेरे लिए तंग कर दूंगा, मेरा अल्लाह मैं कुरान में कहता है कि मोमिनों के लिए जमीन वसी कर दूंगा, तेरी मानू के रब की मानू, वक्त देखेगा, मैं देखूंगा कि तू सच्चा, मेरे रब का कलाम सच्चा, तो ये खौफ नहीं, ये किसी और को जाकर समझा, किसी और को बता, ये लहजे थे पहले। लेकिन अब जो बाइडन का लहजा क्या है, अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम आंखों में आंसू आ जाते थे जब ये बात बंदा सुनता है, क्या कह रहा है, कह रहा है वो इन्हला की डेट तय थी लेकिन हमसे पूरी तरह नहीं मामला निपट सका, एक दिन की मोहलत दे दे, अल्लाह अकबर, कहते हैं एक दिन की मोहलत दे दें, आगे से जवाब क्या आता है, कहते नहीं खबरदार, एक दिन भी ऊपर नहीं होगा, एक दिन भी ऊपर नहीं होगा। ओ मेरे भाइयों, ये मैं कल दर्स के अंदर वो हिजरत का वाक्या सुना रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की कीमत, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सर की कीमत 100 ऊंट जिंदा या माज़ल्ला मुर्दा गिरफ्तार करने पर, तो मैं साथियों को बता रहा था एक वो भी कीमत लगी थी, एक यहां भी कीमत लगी थी, $1 करोड़, $1 करोड़ सर की कीमत थी, किसके सर की, किसके सर की कीमत थी, अल्लाह अकबर, उसके सर की कीमत थी जिसको आज वजीर दाखला बना दिया उन्होंने, वो आज वजीर दाखला है, मौलवी फलां, मौलवी फलां, मौलवी फलां, कारी फलां, कभी सुना कुरान का कारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कारी फसीउद्दीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कभी सुना, लेकिन वहां डिग्री क्या है, वहां कैटेगरी क्या है, वही उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, पैमाना वही उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, कुरान कितना जानता है, नमाज कितने खुशू-खुशू से पढ़ता है, तकवा परहेजगारी कैसी है इसके अंदर, और तकवा परहेजगारी के अंदर वो जो कबीना 33 रुकनी कबीना का ऐलान हुआ, अल्लाह की कसम उनकी शक्लें भी देखें, उनके नाम भी पढ़े, और तकवा परहेजगारी की बात मैं नहीं करता, अगर मैं करूंगा तो शायद कोई ठप्पा लगा दे, कोई बात करे, मैं नहीं करता, मैं बात उसकी सुनाता हूं जो मुसलमान नहीं थी उस वक्त, मुसलमान नहीं थी उस वक्त, उस संडे टाइम्स की रिपोर्टर युआन रेडले गिरफ्तार हो गई वहां, उसने किताब लिखी वापसी पे आके, वापसी पे किताब लिखी, ये मैं नहीं कह रहा, ये उसकी किताब के अंदर लिखा है, किताब का नाम है इन द हैंड्स ऑफ द तालिबान, तालिबान की कैद में उसने किताब लिखी, तो किताब के अंदर लिखा कि मैं चूंकि जानती थी कि ये बड़े शैतान किस्म के लोग हैं, ये बड़े जालिम दरिंदे किस्म के मुसलमान हैं, कहती मैंने तो ये सुन रखा था, कहती जब गिरफ्तार होकर मैं उनके पास गई, अल्लाह अकबर, कहती है जिस मुजाहिद ने मुझे सबसे पहले मुझे देखा,
सबसे पहले मैं पकड़ी गई, कहती है वो मेरे करीब नहीं आया, दूर होके खड़ा हूं, दूर होके खड़ा हूं। कहती कितनी देर खड़ा रहा, वो बाद में मुझे समझ आई क्यों खड़ा रहा। कहती मैंने बुरका पहना हुआ था, टोपी बुरका, अंदर कैमरा छुपा हुआ था, वो तो गधे के ऊपर, गधे को बद्दुआएं देती है। कहती उसने मुझे दुलत्ती मारी, मेरा बुरका पीछे हुआ तो कैमरा मेरा नजर आ गया उस सिक्योरिटी वाले को। कहती उसने मुझे खड़े दो, कहती मैं खड़ी हो गई, कितनी देर कुछ न कहा। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये पकड़ा मुझे तो कहा कुछ नहीं, ये तो बड़े जालिम से मैंने सुना हुआ। कहती है कि एक बापरदा औरत आई, उसने मेरी जमा तलाशी की, औरत आई उसने मेरी जमा तलाशी। कहती है मेरी सोच में भी नहीं था कि इस किस्म के वैशी दरिंदे, जैसे मुझे कहा गया था कि इतना मुहज्जब काम करेंगे, ये तो हमारे यहां भी नहीं होता। 86 साल कैद हुई हमारी बहन को आफिया सदीकी को, जब एक अदालत से दूसरी अदालत में जाती है कोई शिफ्टिंग होती है, तो उसने अपनी बहन को बताया कि जामा तलाशी लेते हैं, मेरी मर्द लेते हैं। एक हमारी बहन और एक ये जिनको हुंहर दरिंदे कहते थे, कहती है मेरी तलाशी उस औरत ने आके ली। कहती आप हैरान होंगे कि जो मेरी सिक्योरिटी पर बाहर बंदा खड़ा था बंदूक बरदार, उसके कंधे पर रॉकेट लॉन्चर था। तो कहती है कि सारी रात वो सर्दी से टिटरता रहा, उसने जो अपना कंबल था वो मुझे दे रखा था। कहती है मैं इनको गालियां बहुत निकालती थी, मैं कहती थी ये बड़े मगरूरे हैं, ये देखते नहीं मेरी तरफ। वो कहती है मैंने तो जब बाद में आके कुरान पाक पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये मेरी तरफ क्यों नहीं देखते थे, ये मेरी तरफ क्यों नहीं देखते थे। तो कहती है कि दुनिया की मुहज्जब कौमें भी सुन लें, कहती है मैं कैदी थी, कैदी क्या हसीयत होती है कैदी की। कहती अल्लाह की कसम आप हैरान होंगे, उस किताब में लिखा है। वो कहती है कि एक शख्स मेरी कमरे में आया, मैं कैदी औरत थी, गोरी औरत थी, दुश्मन कौम की थी। कहती जब मेरे अंदर आया तो दरवाजा नाक करके आया, इजाजत लेके, अल्लाह अकबर, इजाजत लेके आया। कहते कमरे की चाबी मेरे पास थी, कमरे की चाबी मेरे पास थी। कहती है मैंने इनको जब कहा कि मुझे रहा कर दो, इनने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने भूख हड़ताल कर दी। कहती है एक उनका साहब मेरे पास संदा बंदा आया, आके मुझे समझाने लगा कि रोटी खाओ। कहते जब मैंने रोटी नहीं खाई कितने दिन, तो कहती है यकीन करें कि वो मेरे सामने बैठा रो रहा था। मैंने कहा ये कैसे है जिनके मुतलिक मुझे बताया गया, ये कैसे बंदे हैं, ये मुझे क्या बताया गया था, ये किस तरह के बंदे हैं। तो कोई ये जो सूरत हाल उसने अपनी किताब के अंदर नक्शा पेश किया, अल्लाह सुबहान तआला ने इज्जत से नवाज दिया, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह नसीब फरमा दी। अब वो सर जोड़ के बैठे हुए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि बना क्या, हुआ क्या, कैसे हुआ। अगर मेरा ईमान है कि वो बद्र वाले वाक्य की अगर मुताला करें, वो पढ़ें सूरा नफाल पढ़ें, तो अल्लाह की तौफीक से सूरा तौबा पढ़ें, उन्हें समझ आ जाएगी कि ये मामला सारे का सारा बना क्या। इसलिए मेरे भाइयों ये बात भी जहन में रखें कि उनके मुतल्लिक और कुछ नहीं तो इतना तो किया जा सकता है कि उनके मुतल्लिक ये तो दुआ बहरल करें कि अल्लाह सुबहान ताला उनको उनके नेक मकासद में कामयाब करे, अल्लाह सुबहान ताला उन्हें हर किस्म के शुरूर और फितन से महफूज फरमाए, अल्लाह सुबहान ताला उन्हें मुतहद होकर रहने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सुबहान ताला मुसलमानों को नेक और एक होने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इन काफरों के अंदर फूट डाल दे, अल्लाह इन काफरों के कदमों को डगमगा दे, अल्लाह इन पे ऐसा अज़ाब नाजिल करे जो अल्लाह मुजरमीन पर नाजिल करता है, अल्लाह सुबहान ताला मुसलमानों के हाल पे रहम करे। ये उनके लिए दुआ तो की जा सकती है भाई, दुआ तो की जा सकती है। तो ये जहन में रखें कि जो निकले, जिन्होंने साबित कदमी दिखाई, मेरे अल्लाह सुबहान ताला ने मदद कर दी, मदद कर दी। जो नहीं निकले, जो नहीं निकले हमारी तरह सोचते रहे, मसलतों से काम लेते रहे, तो सूरह तौबा के जब इस आयत करीमा का मुताला करेंगे तो अल्लाह सुबहान ताला फरमाते हैं कि इल्ला तनफिरू, अगर तुम नहीं निकलोगे, ये
अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान के अल्फाज पढ़ के सुना रहा हूं, अगर तुम नहीं निकलोगे युअद्दिबकुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह तुम्हें बड़ा दर्दनाक किस्म का अज़ाब देगा। वयस्तब्दिल कौमा गैरकुम, अल्लाह तुम्हारे अलावा कोई और लोग ले आएगा, अल्लाह उनसे काम ले लेगा। बला तुदुर्रुहु शैया, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज पर कादर है। इसलिए मेरे भाइयों, उनके लिए जरूर दुआ करें। ज़ियाउल्लाह साहब ने अपनी तकरीर में यह कहा था, अगर हो सके तो उस तकरीर को भी सुने, अब सुने। उस वक्त कहा था ज़ियाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा था उनके लिए दुआ करें, वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे, आपकी जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। और उन्होंने साथ कहा था कि अल्लाह ना करे अगर उन्हें शिकस्त हो गई तो याद रखना अगला नंबर पाकिस्तान का है, फिर नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी मुसलमानों को, पाकिस्तान को मुखातिब करके, कि उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह सुबहान तआला ने फतह से हमकरार कर दे। मेरे अल्लाह सुबहान तआला ने फतह से हमकरार कर दिया। अकूलु कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. बहुत सारे साथियों ने दुआ के लिए कहा है, दुआ फरमाएं कि अल्लाह सुबहान तआला जो जो साथी भी किसी तौर पर परेशान है, अल्लाह उसकी परेशानियों का मदावा फरमा दें। जो भी साथी परेशान है, किसी मुसीबत में गिरफ्तार है, किसी तंगी तकलीफ में मुबतला है, अल्लाह सब की मुश्किलें आसान कर दे, अल्लाह सब की मुश्किलें आसान फरमा दे, अल्लाह सब बीमारों को शिफा दे दे, अल्लाह सब परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे। ए अल्लाह, दुनिया में किसी कोने भी मुसलमान तकलीफ में है, अल्लाह उसकी तकलीफ रफा फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों को गलबा और चर्चा नसीब फरमा, अल्लाह मुसलमानों को गलबा और चर्चा नसीब फरमा, नेक और एक होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा दे, अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा दे। इन्नल्लाह وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।